जब हमारे जो सांस्कृतिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पे अवैध कब्जा करके जहाँ पूजा पाठ होना चाहिए वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, ये कानून बना के हमारी राइट टू आइडेंटिटी छीन ली गई। ये जो हमारे जो धार्मिक स्थान है जिनका वेद पुराण में वर्णन है, वो हमारी पहचान है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारे धार्मिक स्थान है, उनके अगर उनको वहाँ से अवैध कब्जा हटवाने के लिए अगर हमें कोर्ट नहीं जाने दिया जाएगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी भी विवाद के शांतिपूर्वक समाधान का तरीका होता है कोर्ट। ये कानून कहता आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, एक तरीके से ये कानून कह रहा है कि नहीं आप कोर्ट मत जाओ, लाठी डंडा उठाओ। अहमदाबाद में भद्रकाली है, वहाँ मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है, काशी मथुरा तो ही है, ऐसे बंगाल में कई सारे स्थान है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो 1991 के वर्शिप को चैलेंज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा आपकी जो पिटीशन थी? देखिए 1991 का जो एक्ट है इसको हमने 2020 में चैलेंज किया था, 3 साल बीत चुके हैं। और इस कानून के कारण जो मठ मंदिर का विवाद है, जिन मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, उनका जो विवाद आगे नहीं बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये इस बात पे लेके बैठी हुई है कि कानून कहता है कि कोई भी मठ मंदिर का विवाद चलेगा नहीं। 3 साल हो गए अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया, तो आज मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि जवाब अगर नहीं आ रहा है तो आप इस पर सुनवाई करिए। आज कोर्ट ने ही बोला है कि हम 4 हफ्ते का टाइम फिर से दे रहे हैं केंद्र सरकार को, अगर वो जवाब दाखिल करती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 जजों की बेंच इस पर जुलाई में सुनवाई करेगी। हमारा ये कहना है कि इस देश में कोई भी कानून बना के मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। ये कानून बना के जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी ने गलत काम किए, जो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, ये कम्प्लीटली फंडामेंटल राइट हमारे वायलेट कर रहा है। हमें कोर्ट जाने का अधिकार है, कोर्ट से विवाद के समाधान का अधिकार है, ये कानून हमें कोर्ट जाने से रोक रहा है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन जो जिन मंदिरों का विवरण हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है उनके ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, और उस कब्जे को हम हटवाने के लिए कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन हो रहा है। हमें राइट टू कल्चर है, यानी हमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन हम सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बढ़ाएं जब हमारे जो सांस्कृतिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पे अवैध कब्जा करके जहाँ पूजा पाठ होना चाहिए वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पे जुलाई में 3 जजों की बेंच बनाएंगे, सुनवाई करेंगे, सरकार का जवाब आता है तो भी ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इस पे फाइनल हियरिंग करेंगे। लेकिन सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्या लगता है? देखिए सरकार, आपसे ये सवाल इसलिए है कि एक लॉयर के साथ साथ आप बीजेपी के नेता भी हैं। सरकार अगर नहीं जवाब दे रही है तो जैसे मौनम स्वीकार लक्षणम, एक हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में, वैसे एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मैंने 370 को चैलेंज किया था तब भी सरकार ने जवाब नहीं दिया था, मैंने आर्टिकल 35A को चैलेंज किया था तभी सरकार ने जवाब नहीं दिया था, इस मामले में भी सरकार का जवाब नहीं आ रहा। और जवाब नहीं आने का मतलब कि जो हमने ग्राउंड रेज किया है सरकार उसको वैलिड मानती है, जो हमारी मांग है ये कानून ख़त्म किया जाए सरकार उसको वैलिड मानती है। अगर सरकार को लगता कि मेरी मांग गलत है तो वो काउंटर फाइल करके उसमें कहती खाने नहीं हमारी मांग गलत है, अभी तक उन्होंने काउंटर ने फाइल नहीं किया है, हमारी PL का विरोध नहीं किया है, तो इसको मैं ठीक मानता हूँ कि ठीक है, वो भी उनको भी लगता है कि हाँ हमारी जो डिमांड है वो हमारी ठीक है, वैलिड है। 1991 का जो है वो जो है संसद द्वारा लाया गया कानून, अगर इसको पलटना हो तो सुप्रीम कोर्ट कैसे, आप क्या, आपको क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पलट सकता है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोपरि है। नहीं नहीं संसद सर्वोपरि है, लेकिन संसद को कानून बनाने, कानून बना के औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक के इलीगल काम को लीगलाइज करने का अधिकार नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र देश है, सबको यहाँ पे समानता है, सबको इक्वल राइट है, सबको राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चर है, राइट टू ट्रेडिशन है, राइट टू जस्टिस है। ये कानून बना के हमारी राइट टू आइडेंटिटी छीन ली गई। ये जो हमारे जो धार्मिक स्थान है जिनका वेद पुराण में वर्णन है, वो हमारी पहचान है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारे धार्मिक स्थान है, उनके अगर उनको वहाँ से अवैध कब्जा हटवाने के लिए अगर हमें कोर्ट नहीं जाने दिया जाएगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी भी विवाद के शांतिपूर्वक समाधान का तरीका होता है कोर्ट। ये कानून कहता है आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, एक तरीके से ये कानून कह रहा है कि नहीं आप कोर्ट मत जाओ, लाठी डंडा उठाओ। ये संसद का, तो संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती है, इसलिए मैं पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करेगा। कौन कौन से स्थान है जिसको लेकर आप असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर आपके जो है मुद्दे हैं? ऐसे बहुत सारे, करीब 100 के आसपास ऐसे स्थान हैं जिनका वर्णन वेद पुराण गीता रामायण में है। जौनपुर में अटाला है, अटाला मस्जिद वो मंदिर के ऊपर बनी है। आपके मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला है, वहाँ पे मंदिर के ऊपर, मंदिर पे नमाज पढ़ी जा रही है। अहमदाबाद में भद्रकाली है, वहाँ मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है। काशी मथुरा तो ही है, ऐसे बंगाल में कई सारे स्थान हैं। इनफैक्ट केरल में एक मंदिर के ऊपर चर्च बना हुआ है,
तो ऐसे 100 के आसपास स्थान है जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी मंदिरों को ये भी आपने क्या, ये भी आपके पिटीशन में है कि इस तरह के मतलब लिस्टिंग भी आपने किया? हमने लिस्टिंग किया हुआ है, हमने उसमें 100 के आसपास स्थान दिए हैं कि ये महत्वपूर्ण स्थान है, इनको मुक्त कराना जरूरी है। तो कोर्ट का कैसे आपको जो लगा कि कोर्ट इसमें गंभीर है आपकी? कोर्ट सीरियस है, कोर्ट से आज ने कोर्ट नहीं बोला कि ठीक है जवाब आता है तो केंद्र सरकार का जवाब आएगा तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, हम इसमें जुलाई में तीन जजों की बेंच गठित करेंगे, सुनवाई करेगी। पहले इसको दो जजों की बेंच सुन रही थी, आज इस पर दो जजों की बेंच ने सुनवाई किया है, लेकिन मामला गंभीर है इसलिए जुलाई में इसमें तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। धन्यवाद अश्विनी जी। ये थी अश्विनी उपाध्याय जिनका कहना था कि तीन जजों की जो पीठ है वो इस मामले को जुलाई से शुरुआत कर देगी अगर केंद्र सरकार की जवाब इस पर आता है तब भी, और नहीं आता तब भी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।